जलसा जरूर होगा इंशाल्लाह। हम नहीं करेंगे तो आवाम करेगी। कल से इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं? कल से इतना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और तमाशे क्यों चल रहे हैं? इनकी अपनी चीखें इनकी की गई बात के खिलाफ है। इनकी चीखें बता रही हैं कि जलसा कितना सक्सेसफुल। मुझे अपने मैं वकला से रबते में थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तैयबा इस तरफ ना आए, ये रेस्ट कर सकती, बैठ सकती। आज भी कहा जा रहा है आपको रेस्ट कर ले। मैंने कहा जी पहली बार हो रहा है। थाने जेलें मुझे लगता है इन्होंने हम पीटीआई के लोगों के लिए बनाई थी और पीटीआई के लोगों पर इन्होंने तारीख रकम करनी है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात है हम बर्दाश्त कर गए हैं, आप अपनी बार आपने घबराना नहीं है। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ, मैंने इससे पहले आज तक ये बात नहीं की, मैं आपको आज एक मज़ेदार बात बताती हूँ। एक बार थाना चुंग में हमें कहा गया था, सिर्फ मैं वहाँ और मैं और सनम जावेद थे, और हम दोनों दो लड़कियों को थाना चुंग में कहा गया था कि आज आपकी आखिरी रात है। वो एक आखिरी रात थी शायद जिस रात हम डरे थे, वो एक पहली और आखिरी रात थी, क्योंकि पूरे थाने में हम लड़कियां थी और वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था किसी थाने का जब हम मेरी अरेस्ट। तो वो एक रात थी शायद एक बार जब हमने कभी सोचा हो कि आज हमारे साथ क्या होना है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, जब मेरी वालदा को जो है वो मेरे रेप केस की जाली वीडियोज भेजी जा रही है, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई ऐसी हद रहती है कि इनके तमाशे हम बर्दाश्त करें या हम इनके तमाशों पर डरें। ये खड़े हैं, एक चाल ये चल रहे हैं, एक चाल ऊपर परवरदिगार चल रहे हैं, हम परवरदिगार के साथ। तैयबा इतना अरसा जेल के अंदर गुजारने के बावजूद आज भी आप कह रही हैं कि आप गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो आप यूज्ड टू हो जाते हैं। 10 माह में ना आपका जन्म, वो एक 9 माह में एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो 10 महीने में आप मुझे लगता है उस एनवायरनमेंट के यूज्ड टू हो गए थे, अंदर जीने लग गए थे, उन कैदियों के साथ जीने। हमने वहाँ 12-12 साल, 15-15 साल, 17-17 साल पुराने कैदी देखे हैं, उनके साथ उनकी कहानियां सुन सुन के इस मुल्क में और कितनी ज्यादा हुई हैं, हम यूज्ड टू हो गए हुए थे। अभी अगर दोबारा अल्लाह ताला ने लिखा है कि जेल के अंदर कहीं कदम रखने होना है तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा होगा, इस तरह नहीं होता। ये अगर मुल्क में अनारकी चाह रहे हैं तो ये इनके अपनी विश है, हमारी ऐसी कोई विश नहीं है। ना हमने 9 मई को ऐसी कोई चीज की है, ना हम मुल्क के खिलाफ है। ये मुल्क हमारा है, क्योंकि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, हमने यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाना है। तो जिन्होंने यहीं मर जाना है ना, जो इसी सिस्टम का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल वो इस मुल्क के खिलाफ। लाहौर में जलसा कर पाएंगे? क्योंकि सख्तियां बहुत ज्यादा आप लोगों पर, सख्तियां परसों भी बहुत ज्यादा थी, इनके मुंह पे एक बहुत जोरदार थप्पड़ पड़ा है। जलसा जरूर होगा इंशाल्लाह, हम नहीं करेंगे तो आवाम करेगी। लेकिन लीगी रहनुमा इस वक्त कह रहे हैं कि आप अटक क्रॉस करके दिखाएं, जरा दिखाते हैं आपको, बताते हैं। नून लीगी रहनुमा परसों जब वो जलसा होने वाला था तो कैसे जलसा नहीं होगा, जब जलसा हो गया तो रात को उन्होंने कहा एक नाकाम जलसा हुआ, ये जलसी थी। तो जब जलसी हुई थी तो कल से इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं? कल से इतना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और तमाशे क्यों चल रहे हैं? इनकी अपनी चीखें इनकी की गई बात के खिलाफ है। इनकी चीखें बता रही हैं कि जलसा कितना सक्सेसफुल। जो इस वक्त मतलब पार्टी को इस वक्त जरूरत है ना, इस वक्त बुरा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम जब गुजर जाएगा, जब अच्छा वक्त आ जाएगा, तब तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, तब तो हर बंदा कि जी मैं पीटीआई का हूँ। ये टाइम है स्टैंड करने का। जो अली अमीन के साथ खड़ा नहीं होगा वो पीटीआई में वाकई उसकी कोई जगह नहीं है। खान साहब ने ठीक स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं वो जब सजदे में झुक गया ना था, जब वक्त कयाम आया, तो वक्त कयाम है, सब झुकना नहीं है, जो झुकेगा वो निकलेगा, बात खत्म। जलसा करने जा रहे हैं कि लाहौर में बड़ा जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा, लेकिन नून लीग की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आपको किसी सूरत पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। तो कैसे एंट्री होगी? राणा सनाउल्ला ने ये भी कहा कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाए आप लोग, धमकियां दी गई हैं। उनसे कहें कि एक पंजाब के लिए अब हमें वीजा लेना पड़ेगा। इनका जो शौक है ना ग्रेटर पंजाब का, कि जी जाति उम्रा, असली जाति उम्रा से कभी जाके मिलेगा वो तो हम पूरा होने नहीं देंगे। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जाऊँ, मेरा सारा खानदान जो है हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें इजाज़त दिए आइन ने, कानून ने, होते कौन है वहाँ पे पासपोर्ट और आईडी कार्ड चेक करने वाले? ये तो इनके पुराने पैंतरे हैं। आपको याद है जब ज़रब अज़ब हो रही थी तो जितनी भी आईडीपीज आते थे नॉर्दर्न एरिया से, एक्स फाटा पाटा, अब तो मर्ज एरियाज़ हैं, तो उन बेचारों का आईडी कार्ड चेक करते थे इस्लामाबाद के बॉर्डर पर, सिंध में उनको अंदर नहीं आने देते थे, एज़ इफ़ ये लोग काफिर हैं, एज़ इफ़ ये लोग गैर पाकिस्तानी हैं। इनकी इन आदतों से हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, वाकिफ़ है। और मैं राणा सना को कभी भी फालतू जवाब नहीं देती हूँ, बट इनकी जो परफॉर्मेंस थी एज लॉ मिनिस्टर इन पंजाब, स्पेशली जिस तरह पीडोफिलिया से इन्होंने डील किया, को यू आर इन नो पोजीशन टू टॉक। अच्छा, आपको तो यहाँ पर एनओसी दिया गया था, उसके बावजूद कंटेनर्स बहुत ज़्यादा लगाए गए थे वहाँ पर, तो अभी से कहना शुरू हो गए हम किसी सूरत आप तो आपको एंट्री नहीं होने देंगे, तो ये जवाब दीजिएगा एंट्री होगी कैसे, क्या करेंगे आप? हम तो पंजाब में इंशाल्लाह पुरअमन आइनी कानूनी जलसा करने जा रहे हैं। इन्होंने जो करना है ये वो कर लेना। एक्चुअली कबल इस वक्त हम अपने प्लान किसी को नहीं बताएंगे, हमें तो जलसा करना है, हमें खान साहब ने बोल दिया वो। लेकिन अगर ये लोग इतने फिरौन हो चुके कि इनको लगता है कि ये सूबा इनका ज़ाती सूबा है, नेचुरली चोरियां कर रहे हैं, पैसे खा रहे, जाती उम्र का सारे बिजली का बिल आपकी पंजाब की आवाम दे रही है, सेहत कार्ड खा गए, सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, ये नहीं हो सकता। शांताना गुलजार साहिबा, कुछ दिन से हम देख रहे थे कि हुकूमत या फिर बड़ों और पीटीआई के दरमियान मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे थे, कुछ
ग्रीन सिग्नल्स वाइब्स आ रही थी वहां से, लेकिन कल अचानक से गंडापुर साहब ने तो उस पर किए धरे पर पानी फेर दिया, अचानक से उनको हुआ क्या? क्या ये खान साहब की डायरेक्शन थी? यही वो सरप्राइज था जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने गोलाबारी की, इस तरह शेलिंग की इन लोगों ने, एनओसी देने के बावजूद लोगों पर शेलिंग की है। अच्छा देखिए, ये इतने बेईमान लोग हैं, कुरान पर हाथ रख के झूठ बोलते हैं। एनओसी दिया कि 2 से 7 तक जलसा होगा और एक रात पहले से कंटेनर्स हर जगह इस्लामाबाद में लगा दिए कि लोग गाड़ियों में ना जा सकें। और फिर एक उसी दिन कानून शाया किया, एक मेमो शाया किया कि जो पैदल जाएगा हम उसको अरेस्ट करेंगे, फिर उन पर शेलिंग कर दी। अल्लाह के जालमों, ऐसे तो हम फ़लस्तीन में देखते हैं, पाकिस्तान में अपने फ़लस्तीन बनाना है? तो अगर अली को गुस्सा आया, उसका जस्टिफाइड गुस्सा, ख़वातीन को पकड़ पकड़ के बसों से उतारा है, कराची से ट्रेन आ रही थी ख़वातीन को उतारा है। ये इतने बेहया लोग हैं कि ये औरतों पर भी हाथ डालते हैं। लेकिन शाहदाना साहब ऐसे बयान क्यों देते हैं कि बाद में बैरिस्टर गौर और उमर अयूब को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ी? कौन सा बयान? सहाफ़ियों के खवातीन के हवाले से, देखिए खवातीन कार्ड ये लोग ना ही खेले तो बेहतर है। यास्मीन राशिद अभी भी जेल में पड़ी हुई है, मेरी वालदा के सियासत से कोई काम नहीं, उस पर अटैक किया, सनिया निश्तर पे इन्होंने किसी औरत को छोड़ा है, व्हील चेयर में से लड़कियों को निकाल निकाल कर उनको मारे खिलाई हैं। इन लोगों जो अभी औरत कार्ड हमारे साथ ना ही खेले तो बेहतर है। जहाँ तक सहाफ़ियों की बात रही, अल्लाह माँ बाप बेटी को सज़ा दे। जिस दिन अरशद शरीफ के लोगों ने टुकड़े करवाए थे, मुझे याद है उस दिन ये लोग केक भी काट रहे थे लंदन में। सो लेट्स नॉट प्ले दैट कार्ड। सहाफ़ियों की जहाँ तक बात है, मैं मानती हूँ गलत बात है, चाहे स्लिप ऑफ टंग था, चाहे एक्सेस गुस्सा था, लेकिन ये आप भी जाते मैं भी जाता हूँ कि डिजिटल मीडिया में और लिफाफी सहाफ़ी में बहुत फ़र्क है। मुझे भी पता है, आपको पता है कि कौन बंदा हर शाम को 30 लाख लेता है, 50 लेता है खान के खिलाफ झूठ बोलने के लिए। लेकिन क्या उनको चाहिए नहीं था कि वो डायरेक्टली जो जो थे उनका नाम बिल्कुल हाँ। मैं होती बच्चे, मैं तो हमेशा नाम लेती हूँ, फिर हमेशा इन ट्रबल। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नाम, मैंने बल्कि कितने एंकर्स तर्क कर दिए पिछले 2 साल से, मैं हार्डली टीवी शोज़ पे जाती हूँ, क्योंकि एक बंदा जो झूठ बोलता है खान के खिलाफ, मेरे खिलाफ, मैं जाके ही उसके शो में करूँ कि ये सियासत है? मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं पहले इंसान हूँ। मुनाफ़कत हराम है, बात खत्म। मैम ये आप मीडिया की बात कर रही हैं, बाद में गाड़ियों को लातें मारी गई, उनको हरासा किया गया वहाँ पे जो वर्कर थे मीडिया के, उन लोगों को बहुत गलत हुआ है, आई कंडेम इट। और आज गौहर भाई ने और फैसल अमीन ने जर्नलिस्ट के साथ बैठ के, बीट रिपोर्टर्स से बैठ के बाकायदा अंडरस्टैंडिंग की है, माफ़ी की है, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मैं भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी कितने शोज़ पर बात कही है कि डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज़ द ओनली मीडिया दैट केप्ट पीटीआई अलाइव। ये मीडिया था तो हमारी आवाज़ पहुँचती थी, ट्रेडिशनल मीडिया से तो हमें बंद कर दिया था। मैं जब जेल में भी थी, बाय द वे, सिर्फ भी टीवी आता था और इनकी शक्लें देखनी पड़ती थी, बाकी चैनल्स भी बंद कर दिए थे। सो बहुत गलत है, हम इज्जत करते हैं और आपको खुद पता है, मैं बाकी सब की बात नहीं कर सकती, बट जिस तरह मैं हर किसी के साथ हूँ, मेरे लिए किसी में कोई फ़र्क नहीं है। हुआ गलत हुआ और उसी वक्त गलती मान लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। मैडम कुछ नाम लेंगी एंकर्स के जिन्होंने आपने कहा कि कुछ पैसे लेते हैं 30-30 लाख रुपए, कोई नाम लेंगी आप? अगर मैंने नाम ले लिया तो वो बेचारा फंस जाएगा, उसने मुझे सब के नाम बताया कि मैडम ये शाम के इतने लेता है, इतने थे, खुद भी एंकर है, उसको खुद 50-50 लाख की ऑफर होती थी कि खान के खिलाफ ये स्टोरी प्लांट करो, कुछ अर्सा तो बाहर भी था फिर वापस आया बेचारा। तो ऐसे बहुत हलाली लोग हैं पाकिस्तान में, जो एक ही सूट है हर शाम।